नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएमए विद्या चैनल में। आपके साथ मैं हूं मुक्ता कंडियाल और आप देख रहे हैं हमारा ये खास लाइव इंटरैक्शन सेशन। और आज के हमारे इस क्लासरूम में जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी पार्ट वन, यानी कि संभावना, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। ये है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और कक्षा 10 के छात्रों के लिए हमारा ये आज का सत्र है। तो आप हमारे एक प्रोग्राम पीएम विद्या के चैनल नंबर 10 पर लाइव देख सकते हैं। तो और अगर आपका कोई भी प्रश्न हो इस सेशन से, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप ज़रूर हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8800440559। आप चाहें तो ईमेल के द्वारा भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class10@cit.nic.in। और चलिए आज का ये सत्र शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको आज के जो एक्सपर्ट जो हमें इस टॉपिक को पढ़ाएंगे उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर धीरेंद्र कुमार शुक्ला। सर इज असिस्टेंट प्रोफेसर एट RIE भोपाल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का हम ये सत्र शुरू करते हैं और एक्सपर्ट की तरफ रुख करते हैं, जो आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी यानी संभावना। जानते हैं सर से कि इस सत्र में आज वो क्या पढ़ाने वाले सर। सो हेलो स्टूडेंट्स, As you know, it is first class of probability, which is chapter 15th in class 10th, और जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। तो इससे related कुछ content आप पिछली classes में पढ़ चुके हैं, लेकिन especially प्रायिकता के नाम से नहीं पढ़ा है। So it is a chapter with the name probability, हिंदी हम इसे प्रायिकता कहते हैं, probability। So सर आज हमारी जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी, जैसे कि मैंने अभी बताया। कक्षा 10 के छात्रों के लिए है ये सत्र, और जैसे कि हिंदी में इसको बोलते हैं प्रायिकता, और कक्षा 10 के छात्रों के लिए है। सब्जेक्ट तो मैथमेटिक्स है ही, और इसमें तमाम जो सर जैसे कि अभी हमारे सर ने बताया कि इसके कुछ टॉपिक्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आज हम जानेंगे बाकी के जो टॉपिक्स है। तो हम जुड़ते हैं अपने एक्सपर्ट से। सो फर्स्ट वी नो अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट प्रोबेबिलिटी। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? Probability defines the likelihood of occurrence of an event. तो इसका मतलब क्या हुआ? जब भी हम कोई काम करते हैं तो या तो वो काम नहीं होगा, या तो पूरी तरह से होगा, या आंशिक होगा, है ना, जिसे हम टोटली डन, नॉट डन और पार्शियल डन कहते हैं। तो इन दैट केस जब हम किसी काम को करते हैं तो उस काम के होने की संभावना कितनी या उसकी प्रायिकता कितनी, उसे ही हम यहां पर अध्ययन करेंगे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। सो अगेन, प्रोबेबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एन इवेंट। फॉर एन एक्सपेरिमेंट हैविंग एन नंबर ऑफ आउटकम्स, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कैन बी डिनोटेड बाय एक्स। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज एज फॉलोस। द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल प्रोबेबिलिटी of an event E, written as PE, is defined as PE equal number of outcomes favorable to E divided by number of all possible outcomes of the experiment. तो यहाँ पर बच्चों ध्यान देंगे कि जो हम P लिख रहे हैं, capital P, capital P stands for probability, और bracket में हमने जो E लिखा है तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा E होगा, ये E, A, F, G, H कुछ भी हो सकता है। हम इवेंट को जो भी एक नॉमेनक्लेचर के थ्रू नाम दें, तो सपोज इन जनरल हम इवेंट को ई अगर कहते हैं, देन इट इज डिनोटेड बाय पीई। सो पी इज व्हाट? पीई इज नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, यानी उस घटना को करने के लिए, उस काम को सक्सेसफुल करने के लिए कितने सारे ऑप्शन हैं जो पॉसिबल है, और डिवाइडेड बाय ऑल ऑप्शन। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम यहां पर देखते हैं। Find the probability of getting a head when a coin is tossed once. Also find the probability of getting a tail. Students, जैसा कि हम जानते हैं, एक हमारे पास एक कॉइन है, एक सिक्का है, तो उसके दो फेस होते हैं, एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। तो अगर हम किसी सिक्के को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी टोटल कितने रिजल्ट मिल सकते हैं? मैक्सिमम दो रिजल्ट मिल सकते। तो उन दो रिजल्ट में से हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमें यहां पर पता करना है। सो इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन वंस, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज टू, आइदर हेड एंड और टेल।
let E be the event getting ahead, the number of outcomes favorable to E, that is of getting ahead, is 1. Therefore, P of E is number of outcomes favorable to E divided by number of all possible outcomes of the experiment equal to 1 by 2. So you can see here 1 stands for number of favorable outcome. Yani favorable outcome kya hai ki jo mujhe chahiye, jo question ke need hai. To agar main head chahta hu, to ek coin ko toss karne par kitne head aayenge? Single head aayega. Lekin total output kitne aayenge? Do aayenge. Head and tail. To denominator mein 2 aur numerator mein 1. Similarly, if is the event getting a tail, agar main isi cheez ko tail ke liye create karta hu और मैं इस कंडीशन को, इस इवेंट को F कंसीडर करता हूं, then PF will be number of outcomes favorable to F divided by number of all possible outcome of the experiment, that is 1/2. तो आप यहां पर देखते हैं कि हमारे पास एक सिंगल कॉइन को टॉस करने पर हेड या टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है, that is equal 1/2 and 1/2. Now we go for another example. Suppose we throw a die once, then first case, what is the probability of getting a number greater than 4? And second, what is the probability of getting a number less than or equal to 4? Here are two cases we have. So first case, here let E be the event getting a number greater than 4. Agar hum ek die ki baat kare, to hum jab ek dice ki baat karte hain, to isme total kitne faces hote hain? 6 faces hote hain, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So the number of possible outcomes is 6, that is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. And the outcomes favorable to E are 5 and 6. Why? Because the question is that what is the probability of getting a number greater than 4? 4 se bada number aane ki sambhavana kya hai? Uski prayikta kya hai? To hum dekhe ki 4 se bade number kaun kaun se hai? 5 aur 6. To yahan par ye hame confuse nahi hona hai ki hum sirf do number hi kyun le rahe hain, kyunki 4 se bade number to aur bhi hote hain. वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो टोटल रिजल्ट का आउटकम है, जो सेट है, उसमें अधिकतम जो हमारे पास रिजल्ट है वो 6 तक है, यानी मैक्सिमम आई हैव 6 ओनली. सो मोर देन 4 देयर आर ओनली टू नंबर्स, 5 एंड 6. देयरफॉर द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई इज 2. सो बाय यूजिंग द फार्मूला पीई इज इक्वल टू, अगेन बाय पुटिंग नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, that is 2/6 equal 1/3. Then case 2, let F be the event getting a number less than or equal to 4. अब हमें 4 या 4 से छोटे अंकों के बारे में बात करते हैं. अगेन हमारे पास जो possible outcomes हैं वो 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So outcome favorable to the event F are 1, 2, 3 and 4. So the number of outcomes favorable to F is. So again, by applying the formula, the probability of event is equal number of outcomes favorable to F divided by number of all possible outcomes to the experiment, that is 4/6 is equal 2/3. So यहाँ पर आप देखते हैं कि हमने दो क्वेश्चन में रिजल्ट निकाला. पहले क्वेश्चन में आपने देखा कि जो हमारे पास सक्सेस और फेलियर, यानी इवेंट में जो हमने पहली बार देखा हेड और टेल, हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 थी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2. वहां पर हमारे पास दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट सेम आया. जो कि दूसरे एग्जांपल में हम देखते हैं कि पीई का रिजल्ट 1/3 है और पीएफ का रिजल्ट 2/3. अब हम इन दोनों एग्जांपल्स को अगर हम कंपेयर करें, तो फर्स्ट एग्जांपल में हमें जो मिलता है पीई इज इक्वल 1/2, पीएफ इज इक्वल टू 1/3. एग्जांपल 2, पीई इज इक्वल 1/3 एंड पीएफ इज इक्वल 2/3. अब यहां पर इनको कंपेयर करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, इसको आप ध्यान से समझें. अगर मैं पहले एग्जांपल की बात करता हूं, तो मेरे पास टोटल दो रिजल्ट्स, हेड एंड टेल. मुझे एक कंडीशन चाहिए, आइदर हेड चाहिए या टेल चाहिए. सो द टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2 फॉर आइदर हेड और टेल. अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं दोनों के रिजल्ट को आपस में सम करता हूं, तो पीई प्लस पीएफ फॉर एग्जाम्पल 1 इज 1 एंड पीई प्लस पीएफ फॉर एग्जाम्पल 2 इज अगेन 1. तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जब भी हम प्रायिकता की बात करते हैं, तो किसी भी एग्जाम्पल इवेंट के लिए किसी इवेंट के सक्सेस और उस इवेंट के फेलियर की टोटल प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है.
अब सेकंड एग्जांपल में इसको समझने की कोशिश करें, हमारे पास छह नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। फर्स्ट केस में हमने बात की 4 से बड़ा नंबर, नंबर ग्रेटर देन 4, सो ओनली 5 एंड 6 इज देयर। एंड सेकंड केस में हमने बात की लेस देन 4, यानी 1, 2, 3, 4, यानी जब रिजल्ट 1, 2, 3, 4 आएगा तो 5, 6 नहीं आएगा, जब 5, 6 आएगा तो 1, 2, 3, 4 नहीं आएगा, यानी पीई और पीएफ में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसी चीज को अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, सो इन 1 एंड 2 अबव एफ कैन बी कंसीडर्ड एज नॉट ई, यानी एफ तब हो रहा है जबकि ई नहीं हो रहा है। सो वी डिनोट द इवेंट नॉट ई बाय ई बार, जो ई के ऊपर आप लाइन देख रहे हो उसे हम बार पढ़ते हैं ई बार। सो पीई प्लस पी नॉट ई इक्वल्स टू 1, दैट इज PE plus PE bar equals to 1. In general, it is true that for an event E, PE is equal 1 minus PE bar. Yani, agar hamare paas kisi bhi event ke liye, uske success ya failure, dono mein se kisi bhi ek ki value agar hamare paas hai, to hum dusri value ko bade hi aasani se calculate kar sakte hai. PE is the success of event, PE bar is the failure of event. Clear? So the result is there, the event E representing not E is called the complement of the event. We also say that E and E bar are complementary events. तो यहाँ पर समझ लेंगे कि जब दो कोई हमारे पास एक event है और उसका एक failure F है जिसे हम E bar से भी denote कर सकते हैं, तब ये दोनों E and E bar एक दूसरे के लिए complementary event कहलाएंगे, क्योंकि जब E होगा तो ई बार नहीं होगा और जब ई बार होगा तो ई नहीं होगा, और दोनों की रिजल्ट को हम जब सम करेंगे तो हमें टोटल वैल्यू कितनी मिलेगी 1। आगे हम इवेंट्स को हम जब एग्जीक्यूट करते हैं तो कुछ वहां पर कंडीशंस हमें मिलती हैं, उनके बारे में समझें। सो इम्पॉसिबल इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू ऑकर इज 0, सच एन इवेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। यानी किसी एक निश्चित परिस्थिति में, एक निश्चित माहौल में अगर हम कोई पर्टिकुलर काम करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर काम हर माहौल में हो सकता है, अगर वहां पर वो पॉसिबल है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तब हम उसे इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई। अब अगर इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें तो आप देखते हैं कि प्रश्न पूछ रहा है कि एक डाई को उछालने पर, एक पासा जो होता है जब हम लूडो या सांप सीढ़ी खेलते हैं तो एक पासा होता है, इसपे 6 फेस होते हैं, उस पर 6 नंबर लिखे होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो उसमें जो मैक्सिमम नंबर होता है वो 6 होता है। और यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई। तो क्या पॉसिबल है कि हम पासे को उछालेंगे नंबर 8 मिलेगा? नहीं मिलेगा। So we know that there are only 6 possible outcomes in a single throw of a die. These outcomes are 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Since no face of die is marked 8, so there is no outcome favorable to 8. That is, the number of such outcome is 0. In other words, getting 8 in a single throw of a die is impossible. So P of getting 8, it is equal to number of favorable outcome divided by number of all possible outcome equal to 0 by 6 equal 0. तो इस प्रकार से जब किसी पर्टिकुलर कंडीशन के रिगार्डिंग अगर कोई इवेंट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो हम उसे इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज श्योर इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर और सर्टेन टू ऑकर इज 1, सच एन इवेंट इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट और अ सर्टेन इवेंट। यानी कोई ऐसी घटना है, ऐसी कोई इवेंट है जो पूरी तरीके से पॉसिबल है तो उसे हम श्योर इवेंट कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई। एक पासे को उछालने पर 7 से छोटी संख्या मिलने की क्या संभावना है? तो अगर हम फिर से अपने पासे को अगर ध्यान में लाते हैं तो पासे में 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं और सभी 7 से छोटे होते हैं, तो इसका मतलब हमें टोटल कितने रिजल्ट मिलेंगे? 6 रिजल्ट मिलेंगे। So the P getting a number less than 7 is equal to number of favorable outcome divided by number of all possible outcome is equal to 6 by 6 equal 1। तो जब हमारे पास रिजल्ट 0 होता है तो हम उसे इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, और जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट मैक्सिमम 1 होता है
तो हम उसे हम श्योर इवेंट कहते हैं। सर यहाँ पे आपने इवेंट्स की बात करी है, आपने बताया इम्पॉसिबल इवेंट्स में जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होती है, और जो यहाँ पे श्योर इवेंट होती है वहाँ पे आपने बताया कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू वन होती है। तो सर ऐसा जो आपने बताया कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लाइज बिटवीन जीरो एंड वन, तो सर ऐसा क्यों होता है, अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन भी हमारे स्टूडेंट्स को दें तो। जी बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पर इस सवाल को समझने की कोशिश करें कि प्रश्न कह रहा है कि सात से छोटे अंक कितने, तो सात से छोटे अंक हमारे पास कितने हैं, छह अंक हैं। यानी जितना मेरे पास टोटल सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस कहते हैं यानी जिसमें हमारे पास टोटल रिजल्ट है, टोटल रिजल्ट कितने हैं, एक दो तीन चार पांच छह। तो यानी हम जब कोई ऐसा इवेंट फॉलो करते हैं जो उस जिसका रिजल्ट टोटल सैंपल सेट के बराबर होता है, तो इन दैट केस हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, तो हमें टोटल रिजल्ट प्रोबेबिलिटी यानी वन मिलती है। इसको इस प्रकार से समझें कि किसी बच्चे ने एग्जाम दिया तो अधिकतम कितने आ सकते हैं, 100% आ सकते हैं। तो अगर किसी के 100% आ गए यानी उसने सब कुछ कर लिया, कुछ भी उसका मिस नहीं हुआ, तो उसी 100% को हम जब परसेंट प्रोबेबिलिटी बोलते हैं तो एक बोलते हैं, हम जब परसेंटेज बोलते हैं तो 0% और 100% बोलते हैं। यानी 100 दिस वर्क इज 100% डन, यानी काम पूरी तरीके से हो गया, दिस वर्क इज 80% डन, यानी 20% की अभी कमी। तो वही चीज प्रोबेबिलिटी में होती है कि जब कोई काम 100% हो गया यानी पूरी तरीके से हो गया, यानी उसका जो प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम अप्रोच होगी वो बन, और जब बिल्कुल भी नहीं होगा तो जीरो होगा, और जब रिजल्ट उसके बीच में कहीं लाई करेगा तो वो रिजल्ट जीरो से वन के बीच में आएगा। ओके, नाउ देयर इज अ कंपैरिजन इंपॉसिबल इवेंट एंड श्योर इवेंट, जैसा कि अभी मैम ने प्रश्न पूछा था ये उसी से संबंधित है। तो हमारे पास जो रिजल्ट होता है प्रोबेबिलिटी का वो जीरो से वन के बीच में लाई करता है, तो कभी भी प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट लेस देन जीरो या मोर देन वन नहीं हो सकता। अगर आपका इवेंट हैपनिंग नहीं है तो रिजल्ट जीरो होगा, अगर 100% यानी टोटली हैपनिंग है तो वन होगा, और अगर इन बिटवीन है तो रिजल्ट जीरो टू वन होगा। नाउ वी गो फॉर अनदर एग्जांपल। अ बॉक्स कंटेन्स 3 blue, 2 white and 4 red marbles। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी व्हाइट, ब्लू और रेड। सो saying that a marble is drawn at random is a short way of saying that all the marbles are equally likely to be drawn. हम जब भी एक थैले में हमने ये सारे अलग अलग रंग के मार्बल जिसे हम कंचे कहते हैं अगर हम डाल देते हैं तो हम जब हाथ डालकर उसको निकालेंगे तो कोई भी निकल सकता है, यानी हर मार्बल के निकलने की जो संभावना है वो बराबर है। तो यहाँ पर टोटल हम देखेंगे कि टोटल नंबर आउटकम कितने हैं, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज 3 + 2 + 4 = 9। अब लेकिन यहां पर जो हमारे पास समस्या है वो ये है कि इन मार्बल्स की संख्या बराबर नहीं है। अगर मार्बल्स की संख्या बराबर हो जाती तो उनकी बाहर निकालने की प्रोबेबिलिटी भी बराबर हो जाती, लेकिन एक की संख्या 3 है, एक की 2 है और एक की 4 है। तो हम इसको इवेंट कंसिडर करके सॉल्व करेंगे। लेट डब्ल्यू डिनोट द इवेंट द मार्बल इज व्हाइट, बी डिनोट द इवेंट मार्बल इज ब्लू, एंड आर डिनोट द इवेंट मार्बल इज रेड। So the number of outcome favorable to the event W is 2, similarly B equal to 3 and R equal to 4. So now the number of outcome favorable to event W is equal to 2. So by using formula PW is equal to 2 by 9. Similarly the number of outcome favorable to the event B equal to 3. So PB is equal to 3 by 9 equals to 1 by 3. Similarly we have process for the third one. So here R is equal to 4, so P of R is equal to 4 by 9. अब अगर हम सभी को आपस में ऐड करते हैं, P of W plus P of B plus P of R, so that is 1. तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि किसी भी इवेंट के लिए उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी को अगर हम सम करेंगे तो रिजल्ट मुझे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब आप देख रहे हैं कि ये सारे जो इंडिविजुअल रिजल्ट हैं, ये 0 से 1 के बीच में। तो इस तरीके से फिर से मैं वही बात आपको रिपीट करना चाहूंगा कि इफ इवेंट इज नॉट हैपनिंग सो रिजल्ट विल बी जीरो, इफ इवेंट इज टोटली हैपनिंग सो रिजल्ट विल बी वन, एंड इफ इज देयर कंडीशन इन बिटवीन 0 टू 1 सो इट विल बी लाइक 2 by 9, 1 by 3, 4 by 9 etc. क्लियर। सो नाउ वी गो फॉर अनदर एग्जांपल। 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम,
write down all the possible outcomes. What is the probability that the sum of two numbers appearing on the top of the dice is 8, 13, less than or equal to 12? इस प्रश्न को बहुत ध्यान से समझेंगे. हम अभी तक सिंगल डाइस की बात कर रहे थे, अब हम दो डाइस की बात कर रहे हैं, यानी दो पासे हम एक साथ लेकर के उछाल रहे हैं. तो एक पासे पे छह अंक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसी प्रकार से दूसरे पर भी हैं. तो मान लीजिए अगर मैं दोनों पासों को उछालता हूं तो कोई भी दो रैंडम पेयर बन सकते हैं इन छह नंबर के बीच. तो अगर हम यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों कंडीशन को तीन प्रकार से मान लेते हैं, इवेंट ई एफ एंड जी, कंसीडर ई एफ एंड जी आर इवेंट्स. तो इसे आप एक चित्र के माध्यम से समझेंगे. मेरे पास ये दो पासे हैं, सिंबॉलिकली बने हुए हैं. एक टेबल में यहां पर हम फॉर्म करेंगे. रो में हमने ऊपर लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिंपली कॉलम में भी लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब इनके बीच पेयरिंग होगी. जब 1 की पेयरिंग होगी तो पूरे 6 नंबर के साथ होगी, फिर 2 की पेयरिंग होगी तो वो भी पूरे 6 नंबर के साथ होगी. इसी तरीके से जितने 6 नंबर हैं उन सभी के पूरे 6 नंबर के साथ पेयरिंग. तो आप देखेंगे कि टोटल यहां पर आपको सो द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम विल बी 6 by 6 = 36. टोटल 36 रिजल्ट्स यहां आपको रिसीव. अब इन्हीं 36 रिजल्ट्स में से आपको अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना है. यहां पर एक चीज ध्यान देने योग्य बात है कि जैसे आप देख रहे हैं कि यहां पर 1, 2 भी लिखा हुआ है, 2, 1 भी लिखा हुआ है, एक एग्जांपल लिया है मैंने. तो ये दोनों अलग अलग कंडीशन. 1, 2 का मतलब जिसको मैंने पहला पासा कहा उस पर 1 आया, और जिसको मैंने दूसरा कहा पासा कहा उस पर 2 आया. और 2, 1 का मतलब कि पहले पासे पे 2 आया और दूसरे पासे पे 1 आया. तो दोनों अलग अलग रिजल्ट्स हैं. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है. द आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 8 डिनोटेड बाय ई आर 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3 एंड 6, 2. यानी ऐसे पेयर को हमें लेना है जहां दोनों संख्याओं का जो टोटल सम है वो 8 आना चाहिए. तो वो हमने सभी पेयर्स देख ली. अब इन पेयर्स में देखें आप, 2, 6 आ रहा है, 3, 5 आ रहा है, 5, 3 आ रहा है, 6, 2 आ रहा है, 4, 4 आ रहा है. इनकी टोटल काउंटिंग है 5. और टोटल नंबर ऑफ हमारे पास आउटकम्स कितने हैं, 36. सो PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इक्वल टू 5 by 6. इसी प्रकार से अगर मैं दूसरे के लिए बात करूं कंडीशन के लिए, एज यू कैन सी देर इज नो आउटकम फेवरेबल टू द इवेंट एफ, द सम ऑफ नंबर इज 13. अगर आप देखें कि जो सबसे बड़ा नंबर डाइस में है वो कितना है, 6. तो 6 का सबसे बड़ा पेयर क्या बनेगा, 6 के साथ ही बनेगा. तो 6 और 6 सबसे बड़ा पेयर बना 6, 6. तो 6, 6 का सम कितना होता है, 12. यानी जो अधिकतम पेयर का सम है वही 12 है, और क्वेश्चन की नीड 13 की है, यानी वो पॉसिबल ही नहीं. तो अगेन हम यहां पर देखेंगे कि हेंस पीएफ इज इक्वल टू 0 by 36 = 0. सिमिलरली the third condition, as you can see all the outcomes are favorable to event G, sum of the number less than 12. So ab yahan par hum dekhenge ki sum of the number less than 12, to sabhi ka jo number hai hamare paas less equal than 12, sabhi ka sum yahan par less equal than 12 hai, adhikam number 6, 6, 12, aur baki sab usse niche hai. To total favorable outcome kitne ho gaye, 36, aur total possible outcome kitne ho gaye, 36. So it is 36 by 36 = 1. तो अगेन आप जो मैंने श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट और एग्जिस्टिंग इवेंट की बात की थी वो चीजें यहाँ पे आप समझ सकते हैं. सबसे पहले एग्जांपल पीई से आप देखेंगे 5 by 36, वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगा. अगर हम पीएफ के बारे में बात करें तो रिजल्ट एग्जैक्टली 0 है क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट है. अगर हम पीजी की बात करें तो श्योर इवेंट है क्योंकि रिजल्ट हमारा 1 है. और अगर हम इसको हम देखें तो इस प्रकार से हमारा एक कंडीशन और एक क्वेश्चन यहाँ पर पूरा होता है. तो आज के कक्षा के लिए जो बातें मैं आपसे चर्चा करना चाहता था वो सभी बिंदु मैंने यहाँ पर रखे हैं. अगर हमारे पास कोई प्रश्न है तो हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं. बिल्कुल सर, और मैं समझती हूँ सर आपने जो ये आज का हमारा टॉपिक था प्रोबेबिलिटी, इसमें कुछ एक दो टर्म्स और जो टॉपिक थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे. मैं चाहती हूँ आप एक बार, क्योंकि हमारे सेशन में अभी भी 2-3 मिनट्स हमारे पास हैं, तो मैं चाहती हूँ आप एक बार फिर से हमारे स्टूडेंट्स को सर जाइए इम्पॉसिबल और जो अपने श्योर इवेंट का आपने जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बताई थी, अगर फिर से ये फॉर्मूले के साथ हमारे स्टूडेंट को समझाते तो बेहतर होगा सर. जी, मैं फिर से स्लाइड पर आना चाहूंगा जहाँ पर हमने इम्पॉसिबल और स्लाइड की बात की थी. तो सबसे पहले हम जैसे इम्पॉसिबल इवेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर हम शाब्दिक अर्थों में समझें कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या कहता है, दो मीनिंग ऑफ सेंटेंस,
सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू ऑकर इज जीरो. बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसी घटना जो पॉसिबल ही नहीं है. अगर मैं इससे ये कहूं कि एक शहर का नाम है ए और एक शहर का नाम है बी, मैं कहूं कि शहर ए की पॉपुलेशन 200,000 है, तो बताइए शहर बी की पॉपुलेशन कितनी होगी. दोनों में कोई रिलेशन नहीं. तो उसी तरीके से जरूरी नहीं है कि हम जो कंडीशन जो जनरेट करते हैं वो हमेशा वहां पर एक एग्जिस्टिंग इवेंट पॉसिबल हो. तो जैसे कि यहां पर हमने एग्जांपल लिया था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई. एक पासे को उछालने पर 8 आने की संभावना क्या है. तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स है वो मैक्सिमम 6 तक है. तो यहां हम बात 8 की कर रहे हैं, 8 रिसीव करने की कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है. तो यानी हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर तो पॉसिबल है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो है, लेकिन जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम है वो पॉसिबल नहीं. तो चूंकि आपका न्यूमरेटर जीरो हो जाता है, आपके पास एक भी फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिलता, इसलिए ऐसे इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं और उसका रिजल्ट होता है जीरो. जैसे कि आप इलेक्ट्रिक स्विच में देखते हैं, उसमें जीरो और वन लिखा होता है. पहले ऑन ऑफ लिखा रहता था, आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारी डिवाइस में जीरो और वन बना होता है. तो हमें पता हो जाता है कि जीरो में हमको ऑफ करना है और वन में हमको ऑन करना है. तो जैसे हमने जीरो किया, इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई, यानी वहां पे पावर सप्लाई बंद हो गई. तो क्या बल्ब के जलने की कोई प्रोबेबिलिटी बची? नहीं. तो वो क्या हो गया? इम्पॉसिबल इवेंट हो गया. और लेकिन जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया, वन पे पुश किया, तो बल्ब जलने की संभावना पूरी बढ़ गई. अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है तो बल्ब जलने की संभावना पूरी बढ़ गई, तो रिजल्ट हमारा क्या हो गया? वन, यानी कि श्योर इवेंट. उसी को अगर हम देखें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विच इज श्योर टू ऑकर इज वन. यानी जब हमें रिजल्ट मालूम है कि हमारे जो टास्क है वो 100% कंप्लीट होगा और रिजल्ट मुझे वन रिसीव होगा, तो हम उसे कहेंगे इट इज श्योर इवेंट. जैसे कि एग्जांपल हमने लिया था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, 7 से छोटे अंक. तो एक डाई को उछालने पर हम देखेंगे कि टोटल 6 रिजल्ट मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऑल रिजल्ट्स आर लेस देन 7. यानी हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल सेट और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सेट बोथ आर सेम, दैट इज 6/6, सो इक्वल टू 1. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन श्योर रिजल्ट, श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल. बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच. आपने एक बार फिर से जो ये टॉप डिफरेंशिएशन था, ये इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट का, हमारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाया, आपका एक बार फिर से धन्यवाद. और हमारे स्टूडेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगी, उम्मीद है आपको हमारा आज का ये सेशन बिल्कुल समझ में आया होगा. सर ने जो ये टॉपिक था हमारा प्रोबेबिलिटी, इनको काफ़ी एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आप तक पहुंचाया, सारे टॉपिक्स को कवर करे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हमने यहाँ पे पढ़े, प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे पढ़ी, इवेंट्स के बारे में हमने यहाँ जाना. तो सर आपका एक बार फिर से धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सेशन को हमारे स्टूडेंट्स तक डिलीवर करने के लिए. थैंक यू सो मच सर. बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा. फिलहाल हमारे सत्र को समाप्त करने का यहीं पर वक्त हो चला, लेकिन हम जल्द हाजिर होंगे क्लास 10वीं के लिए सोशल साइंस के साथ अपने अगले सत्र में. तब तक लिए हमें दीजिए इजाजत. नमस्कार.